आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल, माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद कौशल किशोर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित सभी महानुभाव, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 95वीं जयंती के पावन अवसर पर आज उत्तर प्रदेश सचिवालय के मुख्य भवन में उनकी 25 फुट कांस्य प्रतिमा का अनावरण और उत्तर प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं की संबद्धता के लिए उत्तर प्रदेश के पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। मैं पूरे प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है। उत्तर प्रदेश उनके पूर्वजों की जन्मभूमि भी थी। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से ही स्वर्गीय अटल जी के परिवार के लोगों ने ग्वालियर जाकर के अपने आगे के कार्यक्रम को वहां से प्रारंभ किया था। लेकिन जब कर्मभूमि चुनने की बात आई तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में पहली बार देश की संसद में पहुंचने और उसके उपरांत लगातार 5 बार लखनऊ से माननीय सांसद के रूप में देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचने का कार्य करते उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वर्गीय अटल जी की प्रथम कर्मभूमि बलरामपुर में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 112 आकांक्षात्मक जनपदों का चयन किया है, बलरामपुर उनमें से एक है। उस जनपद में स्वास्थ्य के बेहतर सुविधा के लिए KGMU लखनऊ के एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में एक मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस की संबद्धता के लिए एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही नाम पर आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कांस्य प्रतिमा को उत्तर प्रदेश के इस मुख्य सचिवालय के सम्मुख लगाया गया है। अभी आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका अनावरण किया है। यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश के सचिवालय के इस मुख्य भवन में, जिसे हम लोक भवन के रूप में मानते हैं, जानते हैं, आदरणीय अटल जी के, स्वर्गीय अटल जी के लोकतंत्र के प्रति, राजनीति में जीवन मूल्यों और आदर्शों के प्रति उस प्रतिबद्धता का सदैव हम सबको स्मरण कराएगा। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है,
उस प्रगति का एक नमूना मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हम सब देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज जिस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आपके कर कमलों से आज यहां पर होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश ने 1947 के पहले से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 15 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध थी। 75 में से 15 जनपद ही ऐसे थे जिनमें 70 वर्षों में केवल मेडिकल कॉलेजेस की उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। लेकिन आपकी प्रेरणा से, आपकी अनुकंपा से और आपके द्वारा जब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश के अंदर उन सभी क्षेत्रों को मेडिकल एजुकेशन से आच्छादित करने की कार्यवाही प्रारंभ हुई, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि विगत 2.5 वर्ष के दौरान 45 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हो रहे हैं जिनमें एक एक मेडिकल कॉलेज उन सभी जनपदों के अंदर होने जा रहा है, जिसमें इसमें 7 मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष हम लोगों ने प्रवेश भी लिया है, 8 मेडिकल कॉलेज में इस नए सत्र में हम प्रवेश लेने जा रहे हैं, और साथ ही साथ स्टेट राज्य सरकार के द्वारा भी बलरामपुर और जौनपुर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रारंभ की गई है, और साथ ही साथ अभी हाल ही में आपकी अनुकंपा से उत्तर प्रदेश को 13 नए मेडिकल कॉलेजेस उपलब्ध हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। इस मेडिकल कॉलेज से अभी प्रारंभ हम इसको मेडिकल कॉलेज हमारा जब तक भवन इसका प्रथम फेज का प्रारंभ बन करके तैयार होगा तब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में इसे अस्थायी रूप से संचालित करने की कार्रवाई हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 40 तत्काल इससे संबद्ध होने जा रहे हैं, 17 डेंटल कॉलेजेस इससे संबद्ध होने जा रहे हैं, 210 नर्सिंग कॉलेजेस इससे संबद्ध होने जा रहे हैं और 89 पैरामेडिकल के कॉलेजेस यानी कुल 356 संस्थाओं की संबद्धता इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से तत्काल प्रारंभ होने जा रही है, और आने वाले समय में जब ये 8 इस सत्र में प्रारंभ होने वाले और 13 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने की जो कार्रवाई इसके उपरांत प्रारंभ होने जा रही है, 21 ये नए मेडिकल कॉलेजेस भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश चला है, और खासतौर पर एम्स, गोरखपुर का एम्स न केवल ओपीडी उसकी प्रारंभ हुई है अपितु इस सत्र में जुलाई में उसमें भी प्रवेश हुए हैं। रायबरेली एम्स में ओपीडी के साथ साथ वहां पर भी एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हुई है, और इनके द्वारा निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की उन संकल्पना के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। सरदेव अटल जी के प्रति यही हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है जो उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया था वह संकल्प आज हर एक क्षेत्र में, चाहे वह आवास का क्षेत्र हो, शौचालय का क्षेत्र हो, विद्युत के कनेक्शन का हो, ऊर्जा के लिए रसोई गैस का हो, या फिर समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, यह अपने सदैव नेता के प्रति यह एक विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से उत्तर प्रदेश में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस पावन करुण भूमि पर उनकी इस 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा के लोकार्पण और उन्हीं के नाम पर स्थापित होने जा रहे इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय और मार्गदर्शन हम सबको आज प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से
आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करते हुए आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।